तो गाइस जैसे ये है कि नया आपको पैडल दिखाता हूँ, तो ये है यहाँ पे देखिए, ये ऐसा होता है, ये यहाँ पे दो होते हैं और यहाँ पे ये बिल्कुल पूरा ही टूटा हुआ था। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम नंजर एक नई वीडियो। तो गाइस मैं अपनी गाड़ी में, मुझे इसमें एक दिक्कत आ रही थी, तो ये मेरी i10 है। जिन लोगों को अगर नहीं पता है, तो मैं एक i10 ओन करता हूँ जो मैंने हमारे पास 2009 से है। तो इसमें एक दिक्कत आ रही थी कि जब भी मैं क्लच दबा रहा हूँ तो उसमें से एक आवाज़ आ रही है एंड थोड़े गियर भी टाइट लग रहे हैं। तो वो चीज़ मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। तो अभी मैंने स्टार्ट नहीं करी, मैं खाली आपको पहले क्लच दबाता हूँ। देखिए मैं पूरा दबाता हूँ, तो ये देख रहे हो आप, ये कहीं आगे जाके ना टकरा रहा है, ये देखो, तो ये आवाज़ कर रहा है ये, ठीक है। और बाकी ये अगर मैं हल्का सा यूं ये भी करके, और ये देख रहे हो आप, ये आवाज भी कर रहा है। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि ये शायद क्लच पैडल टूट गया है। बाकी भैया चेक करेंगे। और उसके साथ एक दिक्कत ये है, जैसे मैंने अभी गाड़ी स्टार्ट कर दी, तो मैं पूरा क्लच दबाने के बाद भी ना ये देखिए गियर कितने टाइट हो गए, थर्ड तो ठीक है, ये आपके पूरा दम लगाने के बाद ही आपका गियर नहीं लग रहा। अब मैं गाड़ी बंद करूंगा और उसके बाद देखिए गियर जो इसके एक्चुअल में है वो इतने स्मूथ होने चाहिए। तो ये दिक्कत मुझे इसके साथ फेस हो रही है, क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि क्या है ना, ये गियर इतना टाइट हो गया तो गाड़ी चलाने में मजा भी नहीं आ रहा और थोड़ी दिक्कत भी हो रही है। तो यही चीज मैं ठीक कराने शंभू भैया के पास आया हूँ। तो उनसे बोलूंगा भैया एक बार पूरा चेक कर लो क्या दिक्कत है, कोई पार्ट अगर यही टूटा है तो ये पार्ट चेंज हो जाएगा, या जो भी वायर एडजस्टमेंट, ये जो गियर टाइट है, अगर प्ले का दिक्कत है तो वो प्ले, क्लच की प्ले एडजस्ट हो जाएगी, तो वो सब कवर होने वाला है इस वीडियो में। तो गाइज आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइज जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं शंभू भैया से ही काम कराता हूँ। शंभू भैया की शॉप का यहाँ पे आपको नंबर वगैरह सब देखने को मिल जाएगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो भैया आपको क्या दिक्कत लग रही है इसमें, कि क्या हुआ है, किस वजह से वो आवाज आ रही है एंड क्यों हार्ड हो रखे गियर? ये क्लच प्लेट, इसका फिंगर हार्ड हो गया था, उसकी वजह से क्लच पैडल टूट गया इसका। अच्छा, क्लच वायर भी टूटता है, पैडल भी टूट जाता है, वो अभी सही कर देंगे, इसको खोल के नया डाल देंगे, बिल्कुल ओके हो जाएगा। बस नया पैडल डालने से सब कुछ सही हो जाएगा जी। Okay. बाकी देख लें क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट हार्ड होगा तो उसकी वजह से टूटेगा, तो बता देंगे आपको। अच्छा ठीक है, बाकी वो तो जब खुलेगा तब दिखा देंगे। बाकी तब तक मैं एक नया इसका जो है ना पार्ट तो ले ही आया हूँ, क्योंकि ये तो हमें दिख ही गया था कि टूट गया। तो ये पूरा आपका एक नया आपका क्लच पैडल का पूरा ये असेंबली आती है, ये तो ये पूरी बदलेगी। तो वो जब निकलेगी तो वो भी मैं दिखाऊंगा कहाँ से टूटी है, कितनी टूटी है, कितना बुरा हाल है। बाकी जब आपका पुराना वाला निकलेगा तो वो मैं दिखाऊंगा कहाँ से कितना टूटा है, और ये नया लगने के बाद जो मैंने आपको प्रॉब्लम स्टार्टिंग में दिखाई थी तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई है नहीं, तो वो भी मैं आपको इसमें दिखा दूंगा। बाकी भैया ने यहाँ से अपना काम करना शुरू कर दिया है। तो अब भैया इसको करने के लिए आपको क्या क्या खोलना पड़ेगा? एयर फिल्टर खोलना पड़ेगा, एयर फिल्टर खोलेगा, अंदर से कंसोल खोलना पड़ेगा। अच्छा, अंदर से कंसोल, अच्छा डैशबोर्ड का कंसोल खोलना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पे भी नटवट होता है? जी, दो नट यहाँ पे होता है। अच्छा, वो दोनों खोल के जब निकालेंगे। भैया अगर कोई आपके पास ये काम कराने आ रहा है तो कितना टाइम लगभग वो लेके आएगी, ये आपका रिजोल्व हो जाएगी ये दिक्कत? कम से कम एक घंटा लेगा। कम से कम एक घंटा। और क्लच पैडल की तो जो कॉस्ट हो गई वो तो जैसे मैं अपना लेके आया हूँ तो क्लच पैडल की कॉस्ट हो गई, बाकी आप अपनी लेबर बताओ कितनी, आप कितनी लेबर लगती है इसे सही करने में? 500 रुपए लेते। 500 रुपए लेबर लगती है, तो मतलब आपका ये 1600 रुपए में ये पूरा काम हो जाएगा। तो गाइस भैया ने बाहर से तो खोल दिया है, बाकी भैया ने यहाँ पे जो आपका कंसोल कह रहे थे अंदर से वो खोलने का काम शुरू हो गया। तो आपका ये जो नीचे नीचे का पार्ट है ये खुलेगा, जिससे कि जो भी नट है वहाँ का एक्सेस अच्छे से मिल जाए। आप कर वैसे भी सकते हो, बट अगर भैया नहीं खोलना चाहे तब भी हो जाएगा ये बिना खोले? दिक्कत थोड़ा दिक्कत होगा, मगर इसमें यह कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा और जो आपके नट बोल्ट टाइट है वो भी थोड़े अच्छे से हो जाएंगे। तो इस वजह से आपका कंसोल खोला जा रहा है, फिर आपका पैडल निकाला जाएगा, ये पैडल लगाया जाएगा एंड बाकी जैसे नट खुले थे वैसे ही वापस ये असेंबल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा पुराना वाला जो आपका क्लच पैडल होता है वो निकल चुका है। तो ये देखिए यहाँ से ये जो है ना ये पूरा टूटा हुआ था, और मतलब ये जो नट बोल्ट है, ये जो बोल्ट है ना, ये मतलब टिका खाली इस वाले बोल्ट पे था ना भैया? हाँ जी। तो गाइस जैसे ये है कि नया आपको पैडल दिखाता हूँ, तो ये है यहाँ पे देखिए, ये ऐसा होता है, ये यहाँ पे दो होते हैं और यहाँ पे ये बिल्कुल पूरा ही टूटा हुआ था, मतलब कुछ भी नहीं था यहाँ पे, ये जो भी टिका था खाली इस यहाँ पे जो नट लगा है उसके बेसिस पे टिका था, और ये वाला तो पूरा टूट चुका था। इसी वजह से मेरे ख्याल से जब दबा रहे थे तो वो टकरा रहा था, तो ये पत्ती पूरी टूट गई है। तो अब इसको हटा के हम अब ये वाला लगा देंगे एंड फिर देखते हैं वो आवाज़ आती है या नहीं आती है। तो अब यहाँ पे हमारा जो नया वाला पैडल है उसका फिटिंग होनी शुरू हो गई है, मतलब भैया ने नया अब पैडल लगाना शुरू कर रहे हैं। एंड भैया टकरा कहाँ रहा होगा, ये जो स्टेयरिंग का रॉड है जो जा रही है उस पर टकरा रहा था? स्टॉपर खराब हो गया था, टकरा। अच्छा, तो ये वहाँ जाके टकरा रहा था। अब बाकी ये नया अब लग रहा है, लगने के बाद कैसा रिस्पॉन्स आता है वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी फिटिंग हो रही है वो भी मैं आपको दिखाता रहूँगा। अब इसको लगाने के लिए, मतलब निकालने के लिए जो पुराना पैडल है, आपकी ये जो EPS मॉड्यूल होता है वो सब, एंड जो आपके जो बूट खोलने के लैच वगैरह होता है वो भी निकाले जाते हैं, जिससे कि कंफर्टेबली हो जाए एंड देन वापस वो लगा के आपका प्रॉपर जैसे पहले फिटिंग थी वैसी हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो आपका क्लच पैडल है वो पूरा फिट हो गया है। तो वो देखिए ये आपका क्लच पैडल रहा, ये आपका क्लच पैडल रहा, ये नया वाला,
एंड ये पूरा प्रॉपरली क्लच वायर वगैरह एडजस्ट कर दिया भैया। बाकी अभी मैंने तो अभी हिसाब से देख लिया कि प्ले व्ले भैया ने बिल्कुल सही कर दिया, बट भैया भी अभी एक बार राउंड चला के देखेंगे और प्ले देखेंगे, अगर कहीं दिक्कत लगेगी तो वो एडजस्ट कर देंगे। बाकी मैं एक बार आपको आगे से भी दिखा देता हूँ, अगर वो नट बोल्ट अगर विजिबल हो पाए ना कि कहाँ पे वो लगे होते हैं जो दो नट मतलब बिल्कुल भी लगे नहीं रहे। बाकी एक चीज़ और मुझे जो आप लोगों को दिखानी थी वो मैं एक सेकंड में दिखाता हूँ। बाकी ये देखिए, ये हैं वो जो दो नट जो यहाँ पे पड़े हैं, ये वो दो नट हैं जो बिल्कुल मतलब टूट चुके थे, आपके पेडल पे अटैच नहीं थे, बट वो गाड़ी में जहाँ बोल्ट वो लगते हैं ऐसे वहाँ लगे हुए थे, बट जो क्लच पेडल है उससे अटैच नहीं थे। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जब हम दबा रहे थे तो वो थोड़ा और आगे तक चले जा रहा था और वो कहीं ना कहीं टकरा रहा था। बाकी ये आपकी क्लच वायर हो गई, ये यहाँ पे जाके आपकी अटैच हो जाती है। एंड अगर कभी किसी को मतलब मैं वैसे बता दे रहा हूँ, प्ले वे खुद एडजस्ट करने की कोशिश करनी है, वो ये यहाँ से एडजस्ट होती है, ये आपका जो नट है ये यहाँ से ही घूम जाता है, तो इसे घुमा के आप अपनी प्ले वायर्ड क्लच में एडजस्ट कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पे पूरा हमारा फिटिंग का काम शुरू हो गया है, तो बाकी की जितनी चीज़ें थी जो भी ईपीएस मॉड्यूल वगैरह लाया था, ओबीडी पोर्ट का निकाला था और वो जो लैश था बोनेट का, वो सब यहाँ पे लग गया है। एंड बाकी अब इसमें जो मेनली जो चीज़ बची है वो है आपके स्क्रू लगने रह गए। स्क्रू लगने के बाद ये पूरा फिट हो जाएगा। भैया एक बार चला के देख लेंगे, मैं थोड़े दिन चला के देख लूँगा, कोई दिक्कत लगेगी तो भैया के पास आ ही जाऊँगा और भैया उसे फिर देख लेंगे। तो यही कुछ चीज़ें थी। तो अगर किसी को भी ऐसी कोई दिक्कत है या गाड़ी से रिलेटेड कोई और भी दिक्कत है तो शम्मू भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने भैया का बोर्ड भी दिखाया था, तो वहाँ पे एड्रेस और फोन नंबर भी लिखा हुआ है, तो भैया से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो भी दिक्कत है डिस्कस करके, तो भैया उसका सॉल्यूशन या आपको बता देंगे कि इतने में ठीक होगा, तो उनके पास आके आप सही कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे गाड़ी का सारा काम खत्म हो गया, पूरी फिटिंग विटिंग 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 सब हो गई है। अब गाड़ी को एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, ये एक बार मैं आपको दिखा दूँ, देखिए दबा के कोई भी आवाज़ नहीं है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है, मतलब क्लच वायर में से भी आवाज़ नहीं है अब तो, वो भी सही हो गई। और मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ, बाकी भैया तब तक आगे से चीज़ें देख रहे हैं कि सब कुछ पैक वैक सही से हो गया नहीं हो गया। भैया गाड़ी स्टार्ट कर लूँ? ठीक है भैया से पूछ लिया, गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैंने क्लच दबा दी, देखिए पूरा क्लच दबा दिया फर्स्ट। अब इसमें आपको खुद ही पता लग रहा होगा कि मैं कितने दो उंगली से लगा रहा हूँ, फोर्थ थर्ड पे देखिए सबसे ज़्यादा कैसे अटक रहा था, एक उंगली से मैं अब चेंज कर पा रहा हूँ। ये रिवर्स, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। तो ये यहाँ पे आपका पूरा क्लच वगैरह का काम हो गया है और ये भी आपका एडजस्ट हो गया। तो और जो भी इसका खर्चा आया है वो भैया ने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था। तो गाइज अब इस वीडियो को कर लेते हैं एंड। तो गाइज इस वीडियो को लेता था, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई, पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन जरूर दबाएगा जिससे आपको मिले नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।